पहले कि मैं ये वाला मेकअप लुक वीडियो स्टार्ट कर दूं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ इस वीडियो में। मैंने अपना एक नया चैनल शुरू किया है, व्लॉग चैनल, जिसका नाम है इंडियन MBBS। MBBS यानी मियाँ बीवी बच्चे समेत, जिस पर देखने को मिलेंगे आपको हमारे फैमिली टाइम व्लॉग्स, जिसमें मैं हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं व्लॉग्स बनाती हूँ और मैंने ये नया चैनल भी खोला है, तो डोंट मिस आउट दैट चैलेंज। बहुत फन वीडियोस होंगे, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और हमारा पहला वीडियो उस व्लॉग चैनल पर ऑलरेडी जा चुका है कल। अगर आपने नहीं देखा, आपको नहीं पता, तो मैं उस चैनल का लिंक, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। ज़रूर चेक कीजिएगा, आपके चेहरे पर हंसी तो आ ही जाएगी। और उस चैनल पर जाकर भी इसी तरह खूब सारा प्यार देना, जैसे आपने मेरे प्रियाज ब्यूटी जोन को दिया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आपकी सपोर्ट की जरूरत मुझे हमेशा रहती है और वो बनाए रखना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। माय लवली, सबसे पहले अपने फेस को वॉश करके अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो अपने फेवरेट मॉइस्चराइजर से। उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ गुड वाइब्स का रोजमेरी फेशियल मिस्ट। तो फेशियल मिस्ट भी आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट बना देता है और हाइड्रेटेड बना देता है। आप चाहो तो टोनर भी लगा सकते हो यहाँ पर। इसके बाद अपने फेस को 5 मिनट छोड़ दो, तो आप सच में देखोगे कि आपका फेस इतना सॉफ्ट हो जाएगी स्किन की, उसके ऊपर कोई भी मेकअप बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। फिर है बारी प्राइमर की। मैंने बेला वोस्ते का मैटिफाइंग प्राइमर लिया है। ये बहुत बढ़िया प्राइमर है। इससे अगर आपके फेस पे हल्की सी भी रिंकल लाइंस या कुछ स्पॉट्स है ना, गड्ढे वगैरह, तो वो फिल इन हो जाते हैं। और साथ ही हम अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लेंगे। मैंने लैक्मे का लिप लव लगाया है। अब ये 3 चीज़ें आप देख रहे हो, ऑरेंज करेक्टर, कंसीलर और कॉन्टूर, ये NYB के लिक्विड शेड्स हैं। तो ऑरेंज करेक्टर आपको चाहिए अगर आपके फेस पे हल्के से डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स या छोटे दाग धब्बे हैं, तो ऑरेंज कलर उसे कैंसिल आउट कर देता है। इसलिए हम इसको पहले लगाएंगे अराउंड दी आईज, अराउंड दी माउथ एरिया, जहाँ पर भी आपको थोड़ी सी पिगमेंटेशन लगती है। तो ऑरेंज कलर का करेक्टर लगाकर उसे एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। तो हमारा जो हमारा स्किन का कलर है वो एकदम इवन टोन हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 है इसके ऊपर फाउंडेशन लगाना, जिसके लिए मैं ले रही हूँ मेबेलिन की फिट मी फाउंडेशन। ये बहुत बढ़िया फाउंडेशन है, मैट और पोरलेस है और आपके फेस पर काफ़ी मैट लुक छोड़ेगी। थोड़ी सी ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है लगाने के कुछ टाइम बाद आपको हल्का सा शेड डार्कर लग सकता है। तो अगर आप इस फाउंडेशन में शेड लेने जाते हैं तो आप अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइटर ले सकते हैं। मेरे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप देखिए स्किन कितनी इवन टोन हो गई है। अब बारी आती है एक लाइट शेड के कंसीलर की। इसको हम लगाते हैं जिससे कि हमारे जो डार्क एरिया हैं वो और भी अच्छे से कवर हो जाएं और वो थोड़ा हाईलाइट हो जाएं। तो फेस के कुछ हिस्से जो उभरे हुए होने चाहिए वो लाइट कलर के कंसीलर से उभारने होते हैं, और जो थोड़े से डार्क दिखने चाहिए वो कॉन्टूर से फिल इन करने होते हैं। तो ये देखो आप, कितनी इवननेस आ गई है अराउंड द आईज। और इसके बाद मैं अपने बेस मेकअप को फटाफट सेट कर लूँगी किसी भी अच्छे कॉम्पैक्ट पाउडर से। सिर्फ आईज पर लगाऊंगी और अराउंड द माउथ एरिया और नोज़, यानी कि हमारा टी जोन, जहाँ हम थोड़ा स्वेट करते हैं, क्योंकि बाकी फेस पर अभी भी हमें कॉन्टूरिंग करनी है। तो अब बारी है आईब्रोज को फिल इन करने की। पॉप फील की ये ब्राउन आईब्रो स्टिक ले रही हूँ मैं। जब भी आप अपने आईब्रोज को फिल करते हैं ना, तो कोशिश कीजिए ब्राउन के शेड्स या ग्रे कलर लें। ब्लैक कलर जो है बहुत ही आर्टिफिशियल नज़र आता है, इसलिए ऐसे ही 2 कलर्स से आईब्रोज को फिल करके ग्रूम कर लें। और ये स्टेप करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत खूबसूरत और नीट लगती हैं आपकी आँखें। ये देखिए, मैंने गॉर्जियस से पिंक कलर की साड़ी पहनी है गोल्डन ब्लाउज के साथ, और इसीलिए मैं मैचिंग आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ विद दी हेल्प ऑफ मार्स पर्ल आई शैडो पैलेट। बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट है, बहुत ही प्यारे कलर्स हैं इसमें और इसकी पिगमेंटेशन भी अच्छी है। तो मैंने पहले एक ब्राउन रस्ट कलर को क्रीज में हल्का सा ब्लेंड किया है और फिर एक लाइट पिंक शेड उठाया है कॉर्नर्स ऑफ द आईज के लिए, आउटर एंड इनर कॉर्नर, और सेंटर क्रीज को भी ज्वाइन कर लूँगी। फिर मैं इसी पिंक कलर को डेवलप करूँगी थोड़ा डार्कर पिंक शेड से। बस पिंक को हम इतना ही लगाएंगे। और हेलो आइज का इफेक्ट देने के लिए हम सेंटर ऑफ द लिड पर लगाएंगे गोल्डन कलर, जिसके लिए मैं ये मेटालिक्स का गोल्डन फॉयल कलर ले रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, फिंगर की हेल्प से लगाएंगे तो सुपर पिगमेंटेशन आएगी। और फिर एक ब्रश की हेल्प से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे टू गेट दैट सीमलेस लुक ऑन आवर आईज। पिंक कलर को मैंने लोअर लैश लाइन के नीचे भी स्मोक आउट किया है। और आईलाइनर के लिए मैं स्टे क्वर्की का ब्लू लिक्विड आईलाइनर ले रही हूँ। बहुत ही प्रिटी ब्लू कलर है और इसकी बॉल पॉइंट टिप है, तो आप किसी भी एंगल पे मोड़कर बहुत ईजिली आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं। बिगिनर फ्रेंडली है। और इसके बाद मैंने ब्लू आईशैडो शेड पिक किया है मार्स के पैलेट से, एक ब्रश की हेल्प से, और हल्का सा स्मोक आउट कर रही हूँ लोअर लैश लाइन पर, क्योंकि मैं काजल नहीं लगा रही। मस्कारा लगाने के लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का मेगा प्रोटीन मस्कारा यूज़ किया है। आप चाहें तो आप फॉल्स आई लैशेस भी लगा सकती हैं, लेकिन मेरे को कंफर्टेबल लगता है खाली मस्कारा लगाना। और मस्कारा को अगर आप फॉल्स आई लैशेस की तरह बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 कोट्स लगाएं। आप लिक्विड कॉन्टूर भी कर सकते हैं और पाउडर कॉन्टूर भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। मैं अभी खाली पाउडर कॉन्टूर करके दिखा रही हूँ आपको सिवाना के ब्लश एंड कॉन्टूर पैलेट से। तो ब्राउन कलर्स को अपने हॉलो ऑफ चीक्स पर लगाएं, अपनी जॉ लाइन पर, फोरहेड पर अगर आपका माथा बड़ा है तो, और अपने नोज़ को कॉन्टूर करना बिल्कुल ना भूलें। नोज़ को कॉन्टूर करने से आपका नोज़ थोड़ा स्लिम लगता है। तो कॉन्टूरिंग के बाद हम करेंगे चीक्स पर ब्लशिंग। बहुत ही हल्का पिंक या कोरल कलर के शेड्स में ब्लश कलर लें, लाइटली अपने ब्रश की हेल्प से एप्पल ऑफ चीक्स पर अप्लाई करें। याद रखें ब्लश को बहुत ज़्यादा अप्लाई ना करें, वरना आपका मेकअप बहुत आर्टिफिशियल लगेगा और नेचुरल नहीं। और जस्ट चीक बोन्स के ऊपर हम लगाएंगे हाइलाइटर। जितने भी हिस्से हमारे फेस के उठे हुए लगते हैं वहाँ पर हम लगाते हैं एक हाइलाइटर। मैंने मास्टर क्रोम मेबेलिन का गोल्डन मोल्टन हाइलाइटर लिया है और एक ब्रश की हेल्प से लाइटली लगा रही हूँ। इसको अपनी चीक बोन, चिन एरिया, लिप, अपर लिप एरिया, नोज और फोरहेड पर, और हाइलाइटर को अपने ब्राउ बोन एरिया पर लगाना बिल्कुल ना भूलें। इससे आई मेकअप कंप्लीट हो जाता है। अब बारी है लिप्स की। तो पहले मॉइस्चराइजर लिप बाम को हटा लीजिए अपने लिप से। उसके बाद अगर आपने बहुत पिगमेंटेड कलर्स लगाए हैं आईज पर, तो एक सटल और न्यूड शेड लिप्स के लिए चुनिए, नहीं तो आप डार्क शेड भी लगा सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। मैंने लैक्मे का लिप एंड चीक टिंट लिया है यहाँ पर इन द शेड ब्लशी वेलवेटी। बहुत ही प्यारा न्यूडिश पिंक शेड है, मुझे बहुत पसंद आया है ये। आप इसी तरह का कोई शेड चूज कर सकती हैं इन कंट्रास्ट विद योर आई मेकअप। और इसके बाद अपने मेकअप को फिक्स करना मत भूलिए। ग्लैम 21 का मेकअप सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ मैं। ये स्टेप ज़रूर कीजिए ताकि आपका मेकअप एकदम सीमलेसली अच्छे से ब्लेंड हो जाए और बहुत घंटों तक लॉन्ग लास्टिंग रहे। इसके बाद अपनी खूबसूरत ज्वेलरी पहनिए, बिंदी, सिंदूर, ऑर्नामेंट्स, सब कुछ मैचिंग बैंगल्स या चूड़ा जो भी आप डाल रहे हैं खूबसूरत सी साड़ी के साथ, और आप रेडी हैं टू रॉक योर पार्टी और फेस्टिवल। आई होप आपको मेरा ये मेकअप क्रिएशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा और मेरी फैमिली का पार्ट बन जाइए बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड हिटिंग द बेल आइकॉन। I would love to read your comments. Bye.